हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, वेलकम वेलकम टू टू कैंडिड कैंडिड जिंदगी। जिंदगी। आज हम सोच रहे थे कि क्या किया जाए, सो वी केम अप विद एन आइडिया। लेट्स गो फॉर ट्रैकिंग। ट्रैकिंग। तो चलो फिर हम रेडी हो जाते हैं, उससे पहले फटाफट से ब्रेकफास्ट करके फिर आपको मिलते हैं हम ट्रैक पे। लेट्स गो गाइस। ये हम ड्राइव कैफे आए हैं। यहाँ पे आप देखिए, बहुत सारे एप्पल्स लगे हुए हैं। आई थिंक ये ग्रैनी स्मिथ एप्पल्स हैं। एंड दीज आर लेमन टू। बहुत प्यारे प्यारे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है हर जगह। आपको इट्स लाइक अ हिल स्टेशन, आई फील लाइक अ हिल स्टेशन हियर। बहुत सारे एप्पल्स हैं एंड इट्स अ कैफे, सो कूल। सो गाइस, ट्रैकिंग से पहले हमने सोचा क्यों ना कॉफ़ी और क्रोसॉन खाया जाए, तो हम आ गए कैफे पे। सो नाउ वी विल एंजॉय इट। सी यू एट द ट्रैक। बाय। गाइस, हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। छोटे-छोटे घर, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। एंड हाटे ये हमारे घर से इट्स ओनली लाइक 5 मिनट की दूरी। हाँ, 5 या 10 मिनट की दूरी पे, नॉट मोर देन दैट। बहुत रिफ्रेशिंग सा है। ये माउंटेन मेरा सबसे फेवरेट है। सो गाइस, जस्ट एंजॉय द व्यू। यहाँ पे ट्रैक करना इजी है क्योंकि ये बहुत ही इजी स्टेप्स बने हैं। यहाँ पे इजीली हम चढ़ सकते हैं, इजीली उतर सकते हैं, और हम ऑफ़न यहाँ आ जाते हैं ट्रैकिंग करने क्योंकि हम दोनों को ही ट्रैक करना बहुत पसंद है। और ये हम अभी बहुत नीचे आ गए हैं, नियर माय फेवरेट माउंटेन। यहाँ पे आज क्योंकि वीकेंड है तो बहुत सारे बच्चे अपनी साइकिल लेके आते हैं। यहाँ प्रॉपर ट्रेल्स बने हैं, डाउनहिल माउंटेन बाइक्स लेके आते हैं बच्चे, प्रॉपरली साइकिल पे स्टंट करते हैं इजीली। और इवन हम अगर जब ट्रैक करने आते हैं तो हमारे लिए भी प्रॉपर ट्रेल्स बने हुए हैं, जो कि ट्रैकिंग बहुत हमारी इजी हो जाती है। मेरी इच्छा तो बहुत हो रही है कि मैं वो पिंक माउंटेन पे चढ़ूं।
मैं चली बन के हवा, बंद करो हाथ जोड़ के। बेटे ओ बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, वो तम तो, अरे तम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। ब्लैक हिल मैं लगता है कि काले इस करके सारे इतने है। ये है प्रूफ, mountain bike trail, so there's a sign of caution. और ये देखो बहुत ज़्यादा फन करते हुए ट्रैक की जा रही है। अच्छा जब जा रहे हैं, जब हम सही है चढ़ते टाइम जो लाते कांपती है, बाप रे, वेरी दिखाएंगे, वेरी ट्रू। अभी जब हम जा रहे हैं उतर रहे हैं तो ठीक है, पर जब चढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा शिवरिंग होगी। तो उठा लो यार कोई, ये तो अभी से थक गए। ट्रैक में एक और चीज बहुत अच्छी से पता लग जाती है कि हमारा स्टैमिना कितना है। आई स्टिल रिमेम्बर जब हम फर्स्ट टाइम ट्रैक करने आए थे, यू रिमेम्बर दलजीत, कि हमने द वेरी नेक्स्ट थिंग क्या की थी, वापस घर जाके नेक्स्ट डे जिम की मेंबरशिप खरीदी थी कि हम रोज जिम जाएंगे, क्योंकि हमारा स्टैमिना बहुत ज़्यादा कम था। हम इतना ज़्यादा थक गए थे फर्स्ट ट्रैक करके। नहीं अभी तो बढ़िया है पहले के मुकाबले। हाँ बहुत बेटर है जी, आगे और क्या होता है। बाप रे ये क्या है, ये किस शेर की गुफा है? शेर की, शेर की, शेर आया बाहर। नाइस। ये मार्कर दिया हुआ है, अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो 000 पे कॉल करके और वो जो नंबर दिया हुआ है उससे बता सकते हैं कि हम ये मार्क पे है, इजीली स्पॉट हो सकता है। ऐसे हर जगह दिए हुए मार्क, वेरी हेल्पफुल। लगे बाप रे। ये जगह को ब्लैक हिल हाइकिंग इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ दैट डार्क अपीयरेंस फ्रॉम अ डिस्टेंस। ऑल्दो ये
पूरा कवर्ड है एवरग्रीन ट्रीज से, बट अगर आप इसे दूर से देखोगे तो ये आपको डार्क कलर का, लाइक ब्लैकिश कलर का दिखाई देगा। इसे एक सैक्रेड हिल भी माना जाता है बिकॉज लोकल ट्राइब बिलीव्ड दैट दिस हिल प्रोवाइडेड फूड, मेडिसिन एंड फ्यूल टू देम। फाइनली हमारा ट्रैक कंप्लीट हो गया है। आई थिंक बोलने के लिए किसी में भी हिम्मत नहीं है। No way. But बहुत मज़ा आया। आई होप आप सब ने भी इंजॉय किया। ये हमारा पार्किंग एरिया है यहाँ पे। यहाँ हमारी कार पार्क्ड है। आप समझ ही गए होंगे जैसे हम बात कर रहे हैं बिल्कुल बात किया नहीं जा रहा है। So finally track done. Thanks for watching guys. So do please subscribe, like and share as well. Bye. Bye. यहाँ फायर फाइटर्स हमेशा होते हैं ताकि वो हमें बुश फायर से बचा सकें। कमेंट डाउन आपने लास्ट हाइकिंग कौन सी की थी।